गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उनकी प्रॉपर्टीज। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में जानने से पहले हम एक बार पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे। हमारी पीरियोडिक टेबल चार ब्लॉक्स के अंदर डिवाइडेड है। पहला जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा एस ब्लॉक है, एक्सट्रीम राइट पे हमारा पी ब्लॉक है और इन दोनों के बीच में हमारा डी ब्लॉक है। नीचे की तरफ हमने एफ ब्लॉक डाला हुआ है। हमें पता है कि हमने ये ब्लॉक्स इस आधार पर बनाए हैं कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किन कक्षकों के अंदर प्रवेश करता है। तो इसमें से हम बात करेंगे अब डी ब्लॉक की। एस एंड पी ब्लॉक हम हमारी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, अब हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के अंदर जैसा हम देख रहे हैं कि मुख्यतः इसके अंदर तीन सीरीज है। पहली सीरीज हमारी स्कैंडियम से शुरू होती है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। दूसरी श्रेणी हमारे इट्रियम से शुरू होती है, इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। तीसरी सीरीज हमारी लेंथेनम से शुरू होती है, लेकिन लेंथेनम में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के बाद जैसा हमें पता है कि एफ कक्षकों की ऊर्जा में बहुत तेजी से गिरावट आती है और फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर एफ कक्षक में प्रवेश करता है, जिसकी वजह से 14 इलेक्ट्रॉन्स पहले F कक्षक में प्रवेश करते हैं और वो 14 जो हमारे F ब्लॉक के एलिमेंट है वो नीचे की तरफ आते हैं। फिर उसके बाद 72वां इलेक्ट्रॉन हमारे हैफनियम से प्रवेश करता है इसके अंदर D ब्लॉक में। तो जो हमारी थर्ड सीरीज़ है वो हैफनियम से स्टार्ट होती है लेंथेनम भी, बट इसके बाद फिर हैफनियम से शुरू होती है। हैफनियम, देन टेंटेलम, टंगस्टम, रीनियम, ऑस्मियम, इरीडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मर्करी फिर इसके एलिमेंट्स होते हैं। चौथी सीरीज के अंदर एक्टिनियम पहले हमारा है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन उसके बाद अगेन 5F ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो फिर हमारा F ब्लॉक आ जाता है और फिर हमारी वापस से रदरफोर्डियम से सीरीज स्टार्ट होती है। बट ऑल दीज आर सिंथेटिक एलिमेंट्स। तो हम फोर्थ सीरीज है उसको हम जनरल डिस्कशन में काम में नहीं लेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि डी ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों में प्रवेश करता है। इस आधार पर हमारे को तीन सीरीज मिल रही हैं, 3D, 4D एंड 5D, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं तो हमारे को ये डी ब्लॉक की तीन सीरीज मिलती है। इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। बट जो हमारा लास्ट ग्रुप है, जो जिंक ग्रुप है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम उनका देखेंगे तो D10 होता है, यानी कि जो D ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की परिभाषा के अनुसार वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक स्टेट में या किसी ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज स्टेट के अंदर अगर इनकम्प्लीट डी शेल है तो हम उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो इस आधार पर हम जो जिंक ग्रुप है उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स की परिभाषा से अलग करते हैं, बट वो डी ब्लॉक के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। अगेन हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य की होती है। हम कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो तत्वों की गुणों में परिवर्तन होता है वो यहाँ से संक्रमित होता हुआ जाता है, यानी कि एस ब्लॉक जो हमारा बहुत रिएक्टिव था वो धीरे 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 इनके थ्रू इनका ट्रांजिशन होता है जहाँ पे प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज आता है, और पी ब्लॉक बिल्कुल स्टेबल कंपाउंड्स या कह लीजिए कि कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हुए वो अलग प्रॉपर्टीज शो करता है। सो डी ब्लॉक हमारा जो है वो ट्रांजिशन स्टेज के अंदर होता है प्रॉपर्टीज के अनुसार, इसलिए हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेनल्टीमेट शेल के अंदर ऐड होते हैं, बाह्यतम कोश के अंदर ना होकर बाह्यतम से अंदर वाले कोश के अंदर एंटर होते हैं। इनके अंदर एक इनकम्प्लीट डी शेल होता है जिससे इनकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो बहुत अलग होती है। जैसा मैंने आपको बताया जिंक को हम इसमें से एक्सक्लूड करते हैं क्योंकि इसके अंदर D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है और इसका जो शेल होता है डी कक्षक जो होता है वो पूरी तरह से भरा हुआ होता है, इसलिए हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट, जैसा हमने कहा कि इनकी प्रॉपर्टीज एस एंड पी ब्लॉक के मध्य की होती है या प्रॉपर्टीज के अंदर जो चेंज होता है वो इनके थ्रू होता है, तो ऐसा क्यों होता है?
इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि जो संक्रमण तत्व है, अब तक अपन ने एस ब्लॉक पढ़ा, पी ब्लॉक पढ़ा, हम उनको ग्रुप के अकॉर्डिंग स्टडी करते थे कि एक ग्रुप के अंदर प्रॉपर्टीज़ के अंदर कैसे चेंज होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में या डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में हम एक सीरीज़ के रूप में अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम ये देखेंगे कि इनकी जो गुण हैं वो अपने ग्रुप में इतने मैच नहीं करते जितने कि एक आवर्त में मैच करते हैं। इसलिए हम तीन सीरीज़ का निर्माण करते हैं, ना कि ग्रुप्स का, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर चेंज में उतना परिवर्तन नहीं होता, मतलब उनकी गुणों में इतना ही समानता नहीं होती है जितनी कि एक सीरीज़ के एलिमेंट्स में होती है। इसकी वजह क्या होती है वो हम इनके साइज से देखेंगे कि क्यों हमें ऐसा मिलता है। ये एक चार्ट है जो ये बता रहा है कि कैसे संक्रमण तत्वों के साइज में परिवर्तन हो रहा है। इसको देखने पर हम देख रहे हैं ग्रीन लाइन प्रथम संक्रमण श्रेणी की है, जिसके अंदर साइज में, जैसा कि एक जनरल ट्रेंड है कि पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो संकुचन होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है, शेल वही रहता है, और इस वजह से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के ऊपर आकर्षण बढ़ता है और हमारे साइज में कमी आती है। इसमें भी साइज में कमी आती है, लेकिन हम देखते हैं कि कमी बहुत कम है। इसके अलावा मध्य के तत्वों में हम देखते हैं ये बिल्कुल ऑलमोस्ट बराबर साइज के हो गए हैं, और उसके बाद अंतिम तत्व के अंदर थोड़ा सा साइज में वृद्धि होती है। ब्लू लाइन द्वितीय संक्रमण श्रेणी की है, जैसा कि हमें पता है ऊपर से नीचे जाने पे चूंकि एक शेल में वृद्धि हुई है तो साइज में तो वृद्धि हुई है, लेकिन ये उतनी नहीं होती जितना कि हम मतलब एक्सपेक्ट करते हैं, उतनी वृद्धि नहीं होती कि एक शेल के बढ़ने पर जितनी वृद्धि होनी चाहिए थी। सिमिलरली जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, इसमें आप देख रहे हैं साइज में वृद्धि हुई है, लेकिन ये वृद्धि बहुत कम हुई है। तो प्रथम से द्वितीय के अंदर साइज में वृद्धि हुई, लेकिन द्वितीय से तृतीय के अंदर बहुत कम वृद्धि होती है, और कुछ केसेस में आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट बराबर से साइज के हो जाते हैं। इसलिए जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनको हम फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी जिसके गुण अलग हैं, फिर है द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी जिनको हम एक साथ अध्ययन करते हैं, क्योंकि इनके साइज ऑलमोस्ट बराबर हैं, और साइज बराबर होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी बहुत कुछ मैच करती हैं। इस वजह से हम इनको हमेशा एक साथ में रखते हैं। साइज में ये परिवर्तन जो हम देख रहे हैं, ये जो हमारे को थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर मिल रहा है कि भाई बीच के एलिमेंट्स में ऑलमोस्ट बराबर सा साइज हो जाता है, या जितनी कमी आनी चाहिए थी लेफ्ट टू राइट मूव करने पे उतनी नहीं आती है, उसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि एंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पेनल्टी मिड शेल, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेनल्टी मिड शेल के अंदर एंटर कर रहे हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षक से अंदर वाले बाह्यतम कक्षक से अंदर वाले कक्षक में प्रवेश कर रहा है, जिसकी वजह से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के ऊपर प्रतिकर्षण प्रभाव डालता है और वो साइज में वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरी चीज़ जो पूर स्क्रीनिंग बाय डी ऑर्बिटल्स, जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनका नाभिक के ऊपर जो स्क्रीनिंग है वो इतनी नहीं होती कि वो पूरा नाभिक को कवर कर ले। इनकी आकृति इस तरीके की होती है कि नाभिक को पूरा कवर नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के ऊपर आकर्षण बढ़ता है। तो ये दो फैक्टर काम करते हैं कि बाह्यतम कोश और उससे अंदर वाले कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच में बढ़ा हुआ प्रतिकर्षण, जो कि साइज में वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इस डी ऑर्बिटल्स की पुअर स्क्रीनिंग की वजह से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन ऊपर आवेश की वृद्धि होती है, जिसकी आकर्षण में वृद्धि होती है, जिसकी वजह से साइज में कमी आती है। और इन दोनों के मिले जुले प्रभाव की वजह से ये होता है कि साइज में जितनी कमी आनी चाहिए थी लेफ्ट टू राइट मूव करने पे उतनी कमी नहीं आती है, और बहुत थोड़ी थोड़ी सी कमी आकर के इनके साइज हमें ऑलमोस्ट बराबर से मिल जाते हैं। अगर हम इनके साइज को देखें तो जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो फर्स्ट ग्रुप है, स्कैंडियम, इट्रियम एंड लैंथेनम, इनके केस में तो हमारे को ऊपर से नीचे जाने पे उतनी वृद्धि मिल रही है जितनी कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन आगे के ग्रुप्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि बीच में हम देखते हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आने की वजह से एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं, और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जैसा कि मैंने बताया कि डी ऑर्बिटल्स की स्क्रीनिंग
जो होती है वो नाभिक पे बहुत अच्छी से नहीं होती है। एफ ऑर्बिटल्स और भी छितरे हुए होते हैं। एफ ऑर्बिटल्स के छितरे हुए होने की वजह से उनका नाभिक को कवर कर पाना या स्क्रीन कर पाना और भी कम होता है, मुश्किल होता है। तो इसकी वजह से जब 14 इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक वाले जब बीच में आ जाते हैं, 4F कक्षकों में प्रवेश कर जाते हैं, तो उस वक्त प्रभावी नाभिकीय आवेश बहुत बढ़ जाता है। और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, एफ ऑर्बिटल्स उसको स्क्रीन नहीं कर पा रहे हैं, तो परिणाम ये होता है कि बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के ऊपर आकर्षण बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से हम देखते हैं कि इनके आकार में बहुत कमी हो जाती है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के, जिनको हम लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन कहते हैं। और इस लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन का प्रभाव हमें मिलता है संक्रमण तत्वों के ऊपर, जहाँ पे हम देखते हैं कि उनके आकार में कमी उतनी नहीं होती जितनी की होनी चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्कैंडियम से एट्रियम जैसा एक्सपेक्टेड इंक्रीज ऊपर से नीचे जाने पे होनी चाहिए थी वो होती है, लेकिन एट्रियम से लेंथेनम के बीच में, चूंकि 14 एट्रियम से लेंथेनम तक तो ठीक होता है, बट उसके बाद हमारे लेंथ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं लेंथेनाइट्स, तो फिर ये हमें नहीं मिलता है। अब इसका परिणाम क्या होता है कि सेकेंड एंड थर्ड रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो रेडियाई है वो सिमिलर हो जाती है, साइज उनका सेम हो जाता है। जब साइज सेम होता है तो इनकी लैटिस एनर्जीज, सॉल्वेशन एनर्जीज और आयनाइजेशन एनर्जीज भी सेम हो जाती हैं, ये सारी एनर्जी इनकी सेम होती है। दस द डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज बिटवीन द फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो एलिमेंट्स आर मच ग्रेटर देन द डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड रो एलिमेंट्स। और यही वजह है कि हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को अलग अध्ययन करते हैं और सेकेंड एंड थर्ड को एक साथ अध्ययन करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। तो यहाँ हमने देखा कि क्यों हम इनको दो ग्रुप में डिवाइड करके और इनका स्टडी करते हैं। थैंक यू।